अगर आप अपने किसी मरीज़ का किसी रूहानी मुआलज से इलाज करवा रहे हैं तो देखें इन 18 अलामत में से कोई अलामत आपके इलाज करने वाले मुआलज में पाई तो नहीं जाती। अगर एक भी अलामत आपका जो रूहानी इलाज कर रहा है उस मुआलज में पाई जाती है, फौरी उससे इलाज करवाना बंद कर दें। इलाज के नाम पर आप ट्रैप हो सकते हैं, इलाज के नाम पर आप पर जादू हो सकता है, इलाज के नाम पर आप नफ्सियाती मरीज़ बन सकते हैं, इलाज के नाम पर आपको मिस गाइड किया जा सकता है। ये 18 अलामत मैं शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ, उनमें से एक भी अलामत आपके रूहानी इलाज करने वाले में पाई जाती है तो आप फौरी अपना इलाज बंद करवाएं। नंबर एक, इलाज करने वाला मरीज़ से मरीज़ की वालिदा का नाम पूछे तो फौरी अपना इलाज बंद करवा दें, ऐसे शख्स से इलाज ना करवाएं। नंबर दो, मरीज़ से मरीज़ के पसीने वाले कपड़े मांगे या मरीज़ की तस्वीर मांगे, ऐसे शख्स से भी कभी इलाज ना करवाना। नंबर तीन, मरीज़ से रूहानी इलाज करने वाला बकरा, छतरा, ज़ाफ़रान इस तरह की चीज़ों का सवाल करे, डिमांड करे, ऐसे शख्स से भी इलाज नहीं करवाना। नंबर चार, दम करने वाला ऊंची आवाज़ में दम ना करे, यानी कुरान पाक पढ़ रहा है तो उसको क्या मसला ऊंची आवाज़ में पढ़े, या ऐसे कलिमात पढ़कर दम करे जो समझ में नहीं आ रहा है, यानी वो पता नहीं क्या अल्फाज मिक्स कर रहा है अजीबोगरीब, उसकी समझ ही नहीं आ रही, तो ऐसे शख्स से भी फौरी अपना रूहानी इलाज बंद करवा दें क्योंकि वो गैर शरी तरीके से इलाज कर रहा है। अगर वो कुरान से दम कर रहा है तो उसको ऊंची आवाज़ में कुरान पाक पढ़ना चाहिए। नंबर पाँच, मरीज़ को एक ख़ास मुद्दत के लिए फैमिली और लोगों से अलग थलग रहने के लिए कहे, जहाँ रोशनी और धूप दाखिल नहीं होती, कहे आपने उस जगह पे रहना है, यानी आप ऐसे कमरे में रहें, ऐसी जगह पे रहें, मुआलिज मरीज़ को कहे जहाँ धूप नहीं जाती, रोशनी नहीं जाती, ऐसा अमल भी कभी नहीं करना, आप ट्रैप हो सकते हैं। नंबर छः, मरीज़ को तवीज़ जलाने का हुक्म दे या तवीज़ को किसी वज़न के नीचे रखने का हुक्म दे, कहें कि ये तवीज़ अपनी पेटी के नीचे रख दो, किसी वज़न के नीचे रख दो, चारपाई के पाए के नीचे रख दो, बेड के पाए के नीचे रख दो, इसको वज़न के नीचे दबाना है, या इस तवीज़ को हवा में लटकाना है, या इस तवीज़ को कब्रिस्तान में दफन करना है, ऐसे रूहानी मुआलिज से आपने कभी इलाज नहीं करवाना, फौरी उससे अपना इलाज बंद करवा दें। नंबर सात, मरीज़ को एक ख़ास मुद्दत तक पानी को हाथ लगाने से मना कर दे, कि मरीज़ को मुआलिज कहे आपने पानी को हाथ नहीं लगाना, जब मरीज़ पानी को हाथ नहीं लगाएगा वो वज़ू भी नहीं करेगा, वो गुसल भी नहीं करेगा, वो पाक भी नहीं होगा, जब पाकीज़गी कायम नहीं रहेगी तो फिर बाकी चीज़ें भी आप समझदार हैं, वो इजीली शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। नंबर आठ, तवीज़ात पर जूते मारने का हुक्म दे और तवीज़ात को जलाकर मरीज़ को उसकी धूनी देने का कहे, मसलन वो कहे कि ये तवीज़ है, इस पर सुबह उठकर 7 जूते मारने हैं, तो ऐसी बात भी रूहानी मुआलज की नहीं माननी। वो क्या करते हैं, हमान, कारून, फ़िरौन, शद्दाद इस तरह के नाम लिख के शयातीन के सरदारों के उसके ऊपर जूते मरवाते हैं ताकि इनके घर में अगर जादू जिन्नात का मसला है पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाए, शयातीन इनको तंग करना शुरू कर दे, और फिर जब शयातीन तंग करेंगे फिर रूहानी मुआलज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर रेट बढ़ जाएगा, फिर मसाइल बढ़ जाएंगे, आप समझदार हैं। और तवीज़ात की धुनी, वो तवीज़ की एक बत्ती सी बना के आपको देगा कि इसको आग लगा के मरीज़ के नाक में धुनी देनी है, ऐसी चीज़ों से भी बचना है। अगर कोई मुआलिज आपको इस तरह की चीज़ देता है तो आपको वहाँ से अपना रूहानी इलाज नहीं करवाना चाहिए। नंबर नौ, गोश्त को कब्रिस्तान या वीरान जगह पर फेंकने का हुक्म दे, आपको कहें कि आपने सदका करना है, गोश्त लेना है 1.25 किलो, 1.25 किलो, 1.75 किलो, 1.25 का हिंसा या कोई भी हिंसा लगा के इतना गोश्त कब्रिस्तान में फेंक दें, वीरान जगह में फेंक दें। अब ऐसे अमल से बंदा पूछे कि वो हमसाया तो भूखा मर रहा है और तुम ये कब्रिस्तान में गोश्त फेंकवा रहे हो, बड़े खैर खाओ तुम जिन्नात के, उससे बंदा पूछे हमसाया भूखा मर रहा है और तुम कह रहे हो कि ये गोश्त दरिया रावी में फेंक देना, कछुए हो गए हैं 10-10 मन के, हमसाया भूखा मर रहा है और तुम किस तरफ लगा रहे हो, इस तरह के अमल से भी बचो जो इस तरह की चीज़ फेंकने का हुक्म दे। नंबर दस, तवीज़ात के साथ नहा कर इस्तेमाल शुदा पानी को
चौरस्ते भी फेंकने का हुक्म दे। मसलन जो चौक होता है, चार रस्ते, उस कुछ आमल कहेंगे कि ये तवीज़ है, ये पानी में डाल के नहाना है, वो पानी जमा करके चौरस्ते में फेंकना, ये जादूगर बताते हैं, कभी भी ऐसा अमल नहीं करना, इसका आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 11, घर के चार कोनों में दम किए हुए कील लगाने का हुक्म दे। यानी चार कील लेगा लोहे के, उन पर दम करेगा, कहेगा एक कार्नर में ये लगा दो, दूसरे कार्नर में ये कील लगा दो, तीसरे कार्नर में ये तवीज़ लगा दो। कील लगाने का हुक्म इसलिए देता है कि अब आपके घर में जिन्नात दाखिल नहीं होंगे। ये भी उस घर को कंट्रोल करने का एक तरीका है, और ये बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, ये भी जादूगरों का तरीका है। शरीयत में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। शरीयत के मुताबिक अगर आपने अमल करना है तो सूरतुल बकरा पढ़ें, अज़कार करें। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो कील के ऊपर भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो उनको कहें जनाब हमें बताएं, हम खुद डायरेक्ट कुरान पढ़ लेंगे, ये भी गैर शरी तावीज़ात के हुक्म में आता है। यानी इसका तवक्कल, अगर घर में कील लगे हैं तो फिर अल्लाह हिफाजत करेंगे, कील के बगैर अल्लाह हिफाजत नहीं करेंगे, कीलों के बगैर भी अल्लाह की ज़ात हिफाजत करती है। मरीज़ को चाहिए अपना तवक्कल अल्लाह पर स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़े, कीलों के साथ नहीं, अपना तवक्कल कीलों पर नहीं रखना, अल्लाह और उसकी कलाम पर रखना है, इंशाल्लाह सुकून होगा। नंबर 12, घर की छत पर ऊँट के घुटने की हड्डी रखने का हुक्म दे। आमल कहे आपने एक ऊँट के घुटने की हड्डी लेनी है, वो अपनी छत पर रख दें, आप पर जादू असर नहीं होगा। ऐसे आमल को बेचारे को पता ही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़रें बंद से ऊँट हंडिया में जा सकता है, तो नज़रें बंद से पूरा ज़िंदा ऊँट हंडिया में जा सकता है, तो उसके घुटने की सिर्फ हड्डी आपको जादू से कैसे बचा सकती है। अलईनु तुदखिलु रजुल अल-क़ब्र वल-जमल अल-खिज़्रा, तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ छत पर नहीं रखनी, ये जादूगर ऐसी चीज़ें रखने का कहते हैं। नंबर 13, इलाज करने वाला ख़ास तादाद में अंडे मंगवाए, मसलन 3 अंडे ले आओ, 4 ले आओ, 5 ले आओ, 7 या कोई भी तादाद, और उसमें से आपके सामने बैठकर सुइयां निकाल दे, खून निकाल दे, कोई चीज़ निकाल दे, ऐसे अमल से बचना है। ये आपको नफ्सियाती मरीज़ बनाएगा, ये ट्रैप करेगा। ऐसे अमल से बंदा पूछे भाई मैं सही सलामत अंडे अपने घर से लेके आया, आपने इसी से सुइयां और खून निकाल दिया, अगर मेरे ऊपर जादू अंडों के ऊपर हुआ हुआ तो आप वो वाले अंडे मंगवाओ हवा में जो उधर दफन किए हुए, आप तो फ्रेश अंडों में खून डाल रहे हो। तो ये सारा ट्रैप करने का एक तरीका होता है। नंबर 14, मरीज़ की आंखें बंद करवा के तसव्वुरात और ख्याल में ले जाकर खौफजदा करने की कोशिश करें। मसलन एक मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए आमल के पास गया, आमल कहे आप अपनी आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके उसके माइंड में खौफजदा करने वाली चीज़ें डालने की कोशिश करें। मसलन आपको सांप नज़र आ रहा है, बिच्छू नज़र आ रहा है, छिपकली नज़र आ रही है, जिन नज़र आ रहा है, भूत नज़र आ रहा है, बाबा नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, परियां नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ें बेसिकली उसके माइंड में ये बंदा खुद डाल रहा है। उसके बाद उसको फिर नफ्सियाती मसाइल बनते हैं, रात को ख्वाबों में ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये आमल हज़रात आंखें बंद करवा के तसव्वुराती तरीके से मज़ीद खौफ में डाल सकते हैं। अगर मरीज़ की आंखें बंद करवा के आमल उसे पॉजिटिव गाइड कर रहा है कि आपको खाना काबा नज़र आ रहा, पॉजिटिव हों, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर खौफजदा किया जाता है, अक्सर आमल मरीज़ की आंखें बंद करवा के उसको मज़ीद खौफ में डाल देते हैं, उसको ट्रैप करते हैं। तो जो आमल कहे मरीज़ आंखें बंद कर ले और उससे खौफजदा करने वाली बातें स्टार्ट करें, फौरी उससे अपना इलाज बंद करवाएं, आपका मरीज़ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाएगा। नंबर 15, नाबालिग बच्चे की आंखें बंद करवा के उसके ज़रिए से मरीज़ का इलाज करें। एक तो है मरीज़ की आंखें बंद करवाई, कुछ लोग क्या करेंगे आपके घर से एक बच्चा मंगवाएंगे, उसको आंखें बंद करवा देंगे, उस बच्चे के ज़रिए से इलाज करेंगे आपके मरीज़ का, तो ये तरीका भी गलत है। इस तरीके के साथ भी अक्सर लोग खौफजदा हो जाते हैं, और ये मौकलात से मदद लेने वाले लोग होते हैं, ये जिन्नात से हेल्प लेने वाले लोग होते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे की आंखों के सामने जो शैतान आके बता रहा होता है, वो जिस तरह गाइड करता जाता है, मिस गाइड करे, झूठ बोले, किसी पर इल्ज़ाम लगा दे, आमन साहब जल्दी जल्दी से वही बातें आगे कर देते हैं, और वो वहम और खौफ पूरी फैमिली में फैल जाता है। तो ऐसे अमल से कभी इलाज ना करवाएं जो एक छोटा बच्चा बिठा के आंखें बंद करवा के उसके ज़रिए से इलाज करता है। नंबर 16, कोई ऐसा काम करने का हुक्म दे जिससे इस्लाम ने मना किया हो। एक चीज़
कोई भी बंदा है उसको अमल करने का हुक्म दे और आप समझें यार ये चीज़ तो शरीयत के ख़िलाफ़ है। मसलन एक बहन है उसको पर्दा उतारने का कहे या उसको हाथ लगाए गैर महरम खातून को या कोई ऐसा काम करने को गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज़ ज़िबा करने का हुक्म दे, कोई ऐसा काम करने का अमल कहे जो शरीयत के ख़िलाफ़ है फौरी अपना वहाँ से इलाज बंद करवा दें। नंबर 17 मौकलात और जिन्नात की मदद से इलाज करने का अमल दावा करे। अमल कहे मेरे पास इतने जिन्नात हैं इतने मौकलात हैं मैं उनके ज़रिए से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसे बेरूपिये के पास भी नहीं फंसना, ये बंदा इलाज के नाम पर ख़ुद जादू कर देगा आपको नफ्सियाती ट्रैप कर लेगा। नंबर 18 मरीज़ को कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला लगाने का हुक्म दे या इलाज के नाम पर ख़ुद कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला लगाने का दावा करे, या तो मरीज़ को कहे जाकर आपने कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला लगाना है, जब मरीज़ कहेगा भाई मैं तो नहीं लगा सकता चिल्ला तो फिर अमल कहे अच्छा इतनी अमाउंट मुझे दे दो मैं कब्रिस्तान में बैठ के आपके लिए चिल्ला लगाऊंगा अमल करूंगा। कब्रिस्तान में बैठ के, नहर में बैठ के, समंदर में बैठ के, सहरा में बैठ के, किसी खौफजदा जगह पर वीराने जगह पर बैठ के आपके लिए चिल्ला लगाऊंगा अमल करूँगा। ऐसे रूहानी मुआलज से आपने अपना इलाज नहीं करवाना, फौरी अपना इलाज बंद करवा देना है। अगर आप किसी रूहानी मुआलज से अपना इलाज करवा रहे हैं इन 18 अलामात में से एक अलामत भी आपके मुआलज में आपके इलाज करने वाले में पाई जाती है फौरी उससे बच जाएं, फौरी उससे बच जाएं, आप किसी न किसी मुसीबत और परेशानी का ज़रूर शिकार होंगे। वो नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, वही शख्स आप पर जादू कर सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है, आपको किसी गलत लाइन पर लेके जा सकता है, शरीयत से दूर कर सकता है, क्योंकि इन 18 की 18 चीज़ों का इस्लाम से शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग तजर्बे पर डालते हैं कि हाँ हाँ इस्लाम में ये चीज़ नहीं, ये हमारे तजर्बात हैं। जो तजर्बात होते हैं अगर वो भी गैर शरीय हों तो उससे भी बचना चाहिए, अगर वो हमें शरीयत से दूर लेके जा सकते हैं उससे बचना चाहिए। तीसरा इनसे बंदा पूछे भाई ये तजर्बात जो हैं इनकी अथेंटिसिटी आपके पास क्या है, हर अमल का अपना तजर्बा है, कोई कहेगा मेरा ये तजर्बा, दूसरा अमल कहेगा मेरा ये तजर्बा, तीसरा अमल कहेगा मेरा, इनके तजर्बात पर ना चलें, शरीयत के मुताबिक चलें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलें, बहुत सारे फितनों से मसाइल से आप बच जाएंगे। उम्मीद है कि हमारा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा।